हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक रिव्यू करने जा रही हूँ एक प्रोडक्ट का। ये मैं नहीं कहूँगी कि न्यू प्रोडक्ट है, थोड़ा सा लंबे टाइम से मार्केट में है, बट मैंने उसको रिसेंटली ही परचेज किया है एंड कुछ टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। आज मैं बात कर रही हूँ इस प्रोडक्ट की। ये है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट में है, आपने इसके रिव्यूज़ देखे होंगे यूट्यूब पर पहले भी, बट मुझे नहीं पता वो कितने सच्चे हैं। आज मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊँगी आपको इस प्रोडक्ट के बारे में। एंड यस, ये आपको इजिली लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, साथ में कफ्स एंड लैशेज निधि कटियार की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उनका भी मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। एंड ये कहीं से भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसको मैंने अपने ही पैसों से खरीदा है, सो द रिव्यू वुड बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप इसकी पैकेजिंग देख ही सकते हैं कि एक नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग है। इसका जो प्राइस है वो है 169 रुपीज़। कभी कभी ये डिस्काउंट पे भी मिल जाता है एंड आपको इजीली ये अमेजोन पे भी मिल जाएगा, सो प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है। बट इनकेस अगर आप इतना भी नहीं खर्च करना चाहते हो तो आप मेरा DIY कंसीलर का वीडियो देख सकते हो, आप खुद से घर पे अपने शेड के अकॉर्डिंग कंसीलर कैसे बना सकते हैं, सो मैं उस वीडियो को यहां लिंक कर दूंगी, यू कैन वॉच दैट वीडियो। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जो क्वांटिटी आपको मिलती है वो 5.6 ग्राम्स। काफी अच्छी ठीक ठाक क्वांटिटी है, बिकॉज जनरली जो मार्केट में जैसे मेबलिन के कंसीलर्स होते हैं या और भी काफी ब्रांड्स हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, 3 या 4 ग्राम ही आपको मिलती है एंड यू पे अ ह्यूज अमाउंट देन व्हाट यू आर पेइंग फॉर दिस। अगर मैं शेड रेंज की बात करूं तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग एंड सैड शेड रेंज है इनकी। सिर्फ और सिर्फ 6 शेड्स आते हैं इसमें। अगर ये लोग इंडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं देन आई वुड रियली रिक्वेस्ट, आई नो दे वोंट बी लिसनिंग, बट रिक्वेस्ट करना बनता है कि प्लीज डीप डार्क शेड्स भी थोड़े लॉन्च करिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 शेड्स आते हैं। मैंने जो शेड पिक किया है वो है 05 मीडियम मोएन और मीडियम स्किन टोन, फेयर स्किन टोन्स पे इनके शेड चले जाएंगे। एंड इफ यू आर अ डस्की ब्यूटी देन ये आपको रेंज नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें आपको शेड मिलेगा ही नहीं। इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हैं, जैसे होहोबा ऑयल पड़ा है, कोलेजन पड़ा है एंड ग्लाइकोल वगैरह पड़ा हुआ है, और इसमें कोई भी पैराबिन नहीं है जो कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में मैं देख नहीं पा रही हूँ। इनसाइड पैकेजिंग अब मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, जो कि काइंड ऑफ बहुत सिमिलर है पैक के कंसीलर से। अगर आपने पैक का कंसीलर देखा होगा देन यू मस्ट बी नोइंग कि उनकी एक फ्रॉस्टेड सी बॉटल है। सिमिलरली इसकी भी पैकेजिंग बिल्कुल वैसी है, फ्रॉस्टेड बॉटल है एज यू कैन सी। वॉन्ड जो है वो एक 2 फुट एप्लीकेटर है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है, इट्स जस्ट लाइक अ लिपस्टिक। एंड अब मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो कितना लाइट है। कैमरे पे इसके थोड़े से अंडरटोन्स जो है वो विजिबल नहीं है, बट इसके थोड़े से पीछे अंडरटोन्स हैं, तो ये डार्क सर्कल्स को एज वेल एज जो ब्लेमिशेस डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से कंसील कर लेता है। एंड एक और चीज कि आप इसको इजीली अपने फिंगर्स के हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं एज वेल एज यू कैन यूज अ स्पॉन्ज। कवरेज भी इसकी मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है, बहुत ज्यादा फुल कवरेज हाई कवरेज नहीं है, जैसे मेबलिन की एज रिवाइंड कंसीलर की जो कवरेज है वैसी नहीं मिलेगी, बट आपको एक डेली वेयर कंसीलर के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं फील होता है। और जो इसकी स्टेइंग पावर है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे हैं। इनकेस अगर आप स्वेट होते हो, आपको फेस पे पसीना आता है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा सेपरेट हो, बट इनकेस यू डू नॉट स्वेट ऑन योर फेस तो ये बहुत ही अच्छे से 5 से 6 घंटा आपके फेस पे टिका रहेगा। एंड इस कंसीलर को मैंने आज लगाया हुआ है, आप देख सकते हो कि मेरे कुछ जो भी ब्लेमिशेस हैं वो इसने अच्छे से कंसील कर दिए हैं एंड जो अंडर आई एरिया है वहां पे भी मैंने इसको लगाया है, सो काफी ब्राइट लग रही है अंडर आई एरिया, बहुत डल नहीं लग रही है। सो ये जो शेड है ये मीडियम कॉम्प्लेक्शन पे बहुत ही अच्छे से जाएगा, सो यू कैन बेसिकली ट्राई दिस आउट। एवरीडे वेयर के लिए इतना अच्छा कंसीलर आपको इतने कम दामों में मिल रहा है, यू कैन गो अहेड विद दिस एंड यू वॉन्ट रिग्रेट इट, दैट्स माई प्रॉमिस। एंड अब मैं आपको सीधे सीधे डेमो दिखा देती हूँ एंड डेमो के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि वेदर आपको ये खरीदना है कि नहीं। वेल, मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, सो आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, बाय। सो हियर इज अ क्विक डेमो एंड आप देख सकते हैं कि मैं इसको अपने अंडर आइज पे लगा रही हूँ एंड थोड़ा सा मैं आईलिड्स पे लगा लूँगी, ऑर्बिटल बोन पे लगा लूँगी एंड आई विल ऑल्सो भी अप्लाइंग इट ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, थोड़ा फोरहेड पे, थोड़ा चिन पे एंड जहाँ जहाँ भी मुझको ब्लेमिशेज हैं मैं वहाँ वहाँ इस कंसीलर को लगा रही हूँ। एंड जस्ट एक नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ एंड ये बहुत ही सीमलेसली एंड बहुत ही जल्दी विद इन सेकेंड्स ब्लेंड हो रहा है। आई नो मैंने थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, बट स्टिल इट इज़ टेकिंग नो टाइम टू ब्लेंड। एंड कवरेज भी काफ़ी अच्छी मीडियम बिल्डेबल कवरेज है इसकी, विच यू कैन सी ऑन द कैमरा एंड ब्लेमिशेस अच्छे से कंसील हो गए हैं, सो दैट्स रियली इम्प्रेसिव। एंड इवन डार्क सर्कल्स भी आप देखोगे कि बहुत ही अच्छे से कवर हो गए हैं, पिगमेंटेशन वगैरह भी अच्छे से छुप गई है।
एंड क्वाइट इम्प्रेसिव, बहुत ही अच्छा कंसीलर है ये. वेल इनकेस अगर आप थोड़ा सा क्रीज ना करें ये कंसीलर, तो आप एक लूज़ पाउडर से इसको सेट कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लैक्मे का रोज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ. एंड बस इसको अच्छे से आप एक पाउडर ब्रश से लगा लीजिए, तो आपका कंसीलर काफ़ी अच्छा देर तक टिका रहेगा, क्रीज़ भी नहीं करेगा. एंड यू कैन सी द कवरेज बेसिकली. इनकेस अगर आप इस कंसीलर का कंपेरिजन चाहते हो, देन डू लेट मी नो कि आपको कंपेरिजन अगर देखना है इस कंसीलर का. वेल दिस इज द क्लिप दैट आई हैव टेकन आफ्टर 4 आवर्स. तो आप देख सकते हैं इनर कॉर्नर से ही थोड़ा सा क्रीज हुआ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी पूरे फेस पे बहुत ही अच्छे से इसकी कवरेज है. सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू इन डिसाइडिंग कि वेदर और नॉट आपको खरीदना चाहिए. आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो. बाय.